हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो किचन को मैं डीप क्लीन करूँगी, तो इसीलिए ना मैं इधर पहले पूछ रही हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा बहुत सामान मेरे को रखना है। और ब्रेकफास्ट मैं आज नहीं बनाऊँगी, तो कल रात में मैं काला चना जो है वो मैं भिगो के रख दिया था, उसको से मैं सॉल्ट दे के बॉयल कर रहा हूँ। तो सुबह थोड़ा बहुत ये खा लूँगी और ब्रेकफास्ट बाहर से लेके आएगा। तो छोला मेरा हो चुका है। छोला गैस में चलाने के बाद बिहन को मैंने दूध पिला दिया है। तो उसके बाद मैं अभी किचन का जो सारा सामान है वो मैं निकाल के डाइनिंग जो एरिया है उधर रख रहे हो। बिहान के लिए नाइट में आलमंड भिगो के रख दिया था, वही सब मैं इधर रख रहा हूँ। और बिहान का जो बोतल वगैरह वो सब कुछ मैं इधर में रख दिया है। किचन का जो सब डब्बे था वो मैं गमले में रख रहा हूँ। गमले करके लेके जाने के से बहुत इजी हो जाएगा, एक बार में बहुत सारा लेके जा सकते हैं, इसीलिए तो मैं गमले में रख रहा हूँ। और गमले मेरा एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए एक गमले में मैं एक बार लेके जा रहा हूँ, फिर उधर रख के फिर इसी में मैं रख रही हूँ। किचन का डब्बे हटाना ना बहुत ज़्यादा काम होता है, बर्तन हटाने में मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बट डब्बे हटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और यही करने में ज़्यादा टाइम लग गया है। तो मेरा डब्बे तो ऐसे भी बहुत क्लीन था, तो इसलिए डब्बा क्लीन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा था। पहले मैं झाड़ू देके क्लीन कर रही हूँ। और इधर का जो रैक है ना बहुत ऊंचा ऊंचा है, तो मेरा हाथ नहीं आता है, तो दो रैक आता है, उसके ऊपर भी एक रैक है जो मैं थोड़ा बहुत सामान रख दिया है जो यूज़ नहीं होता है। और ये नीचे का जो सेल्फ है इसमें मैं पेपर डाल के रखती हूँ, तो इसमें मेरा जो मसाला वगैरह दाल वगैरह जो होता है इसमें रखती हूँ। तो इस सेल पे मैं ना ये मिक्सी चॉपर रोटी बेलनी ये सब रखती हूँ। और मिक्सी भी मैं प्लास्टिक में रख देती हूँ, क्योंकि मिक्सी मेरा डेली यूज़ नहीं होता है, तो इसीलिए ना मैं मिक्सी प्लास्टिक में रख देती हूँ, क्योंकि ओपन किचन है ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, ऑयल ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता है, तो इसीलिए मैं प्लास्टिक में डाल के रखती हूँ, तो साफ़ सुथरा रहता है। और डब्बे जो है मेरा क्लीन ही था, तो इसीलिए मैं गीला कपड़े से पोंछ रही हूँ। जब भी मेरा कोई मसाला कुछ भी ख़त्म हो जाता है तो मैं क्लीन करके रख देती हूँ। तो कुछ डब्बे था ना वो मैंने फेंक दिया है, क्योंकि ऐसे भी बहुत कम ग्रोसरी लेके आए थे हो, तो डब्बा उतना ज़रूरत नहीं होता है। और मेरा जो डब्बे हो ना बहुत कम ख़रीदा हुआ है, ज़्यादा जो सामान लेके आते हो उसका जो डब्बे रहता है वही सब यूज़ करते हो। और जो सब डब्बे ख़रीदा हुआ ना वो सब अभी का नहीं है, जहाँ हम लोग जब केरला में था उस टाइम पर ख़रीदा हुआ था, वही सब डब्बे मैं अभी तक यूज़ कर रहे हो। तो डब्बे वगैरह जिस साइड में रहता है ना उसी का नीचे के साइड में मैं वाटर राइस ये सब रखती हूँ। और जो सब सब्जी फ्रिज में नहीं रखना है वो सब रख देती हूँ। और अभी मैं गैस स्टोव जिधर रहता है उस साइड में क्लीन कर रहा हूँ। पहले ना मैं डब्बे वगैरह उठा दिया था, क्योंकि बिहान लेके ना खेल रहा था और वो जीरा जो था वो पूरा फेंक दिया था, तो इसीलिए मैं सोचा है डब्बे वगैरह मैं पहले उठा लेती हूँ, क्योंकि उधर ऐसा ऐसा सामान है जो गिरा देगा तो वो ख़राब हो जाएगा।
फिर उठा ना तो उसमें गंदगी आ जाएगा, तो इसीलिए ना मैं पहले वो उठा लिया है। तो अभी जो किचन गैस स्टोव जिस साइड में रहता है ना वही साइड में क्लीन कर रहा है। तो मैं आज फिल्टर को भी क्लीन कर दिया था, फिल्टर का पानी बहुत कम था, तो मैंने सोचा आज ही क्लीन कर देते हो। जब पूरा किचन क्लीन कर रहे हो तो फिल्टर भी क्लीन कर देते हो। मेरा किचन बहुत ही छोटा है तो ज़्यादा सामान नहीं रखते हो, जो डेली यूज़ होता है वही सब मैं रखते हो, और जो एक्स्ट्रा बर्तन और एक्स्ट्रा ग्रॉसरी जो है ना वो दूसरा रूम पे रख देते हो, और यूज़ एंड थ्रो जो डब्बे हुए ना वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि किसी को कुछ देना है बस थोड़ा बहुत सामान बच जाता है तो उसमें रख सकती हो। तो आज का वीडियो भी इतना तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।